देखना है कोई किस तरह बुझाता है मेरे चराहों को, लड़ना हवा से आता है ये देखना है। सितारों को मात कर दूंगा मैं, इस जमी के सरों को चांद कर दूंगा, ये देखना है। जब मालिक यहाँ नहीं होते तो ससुरा कोई पहरा नहीं देता, और अब मालिक आ गए हैं तो सब मूर्छल की तरह अपनी दुम हिला रहे। सही कह रहे हो तुम। अरे अबे ये कौन आ गया? अरे ये तो इस्माइल खान है। रात भर नींद नहीं आई क्या? जो आ गया सवेरे सवेरे। अरे नींद तो तबीयत से आई होगी ना, वो कहते हैं ना रात भर चैन से सोया और सुबह हाजिर। अगर इस वक्त मालिक यहाँ आ जाए ना तो वो देखकर यही सोचेंगे कि हम लोग सोते रहे और ये जागता रहा, क्यों समझा ना? हाँ समझ गया, लेकिन ये सब ढकोसलेबाजी किस लिए? तरक्की के वास्ते। दिलावर खान मर गया है ना? मर गया या मार दिया गया? क्या मतलब? तुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कि इस्माइल खान ने ही उनका कत्ल किया है। तभी से तो देख रहा हूँ कि काफी दौड़ भाग कर रहे हैं। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, अगर उसे मारना ही था तो हवेली की बुर्जी पर रस्सी क्यों लटका दी नीचे तक? रात भर पहरा दिया गया या गप्पे मारी जा रही हैं? जी हुजूर, हम लोग तो पहरा हमेशा ठीक ही देते हैं। जी जनाब। खामोश! अगर पहरा सही दिया जाता तो किसी की मजाल थी कि वो दिलावर खां का कत्ल करके चला जाता, वो भी हवेली के नीचे। होशियार, कोई ऊंटनी सवार आ रहा है। जनाब, कोई ऊंटनी सवार है जो हवेली की तरफ आ रहा है। चलो जल्दी आओ। कौन है जो इस तरह बेधड़क चला रहा है? जानता नहीं ये हसन खान की अमलदारी है। मैं फरीद खान साहब का कासिद हूँ, जौनपुर के हकीम जमाल खान साहब का नौकर हूँ। हसन खान साहब के लिए एक जरूरी पैगाम लाए हैं। मैंने आपको रास्ते में ही रोक दिया, माफ कीजिएगा, मगर हिफाजती इंतजाम के लिए ये जरूरी था। आप हमारे मेहमान हैं, आइए तशरीफ लाइए। भाई क्या शोर शराबा है, कैसा हंगामा है ये? ये कौन लोग आ रहे हैं इधर? कौन लोग? हुजूर इस्माइल खान साहब देखने गए हैं। जौनपुर से कासिद आया है, आपके नाम पैगाम लाया है। हुजूर, मैं जमाल खान साहब का नौकर हूँ, मगर इस वक्त आपके बेटे फरीद खान साहब का कासिद हूँ। उन्होंने ये खत आपको दिया है। इस खत में उन्होंने कुछ शरायत लिखी है, अगर आपको मंजूर होगी तभी वो यहाँ आकर आपके साथ काम कर सकेंगे। वो जौनपुर से आपके पास आने के लिए चल चुके हैं, रास्ते में है। अगर आपको उनकी शर्तें मंजूर नहीं होंगी तो वो रास्ते से ही वापस हो जाएंगे और यहाँ नहीं आएंगे। भाई उनसे जाकर कहो उनकी हर शर्त मंजूर है, खत पढ़े बगैर उनकी हर शर्त मंजूर करता हूँ, बस वो आ जाए। हुजूर गुस्ताखी माफ, आपने दिलावर खान की लाश के मायने को कहा था, क्या इस वक्त मुआयना करना पसंद करेंगे? भाई इस वक्त जिंदगी की बात हो रही है और तुम लाश ले बैठे। क्या नाम है तुम्हारा? इस्माइल खान। कौन है ये दिलावर खान जिसकी लाश इतनी अहम हो गई
कि मैं अपनी खुशियां छोड़कर उसकी लाश देखने चला जाऊं। कैसे घामड़ हो तुम, और अगर घामड़ ना होते तो हवेली के अंदर दिलावर खान का कत्ल हो जाता और किसी को मालूम ना होता। अब लाश को ज्यादा मत घसीटो, ये मालूम करना ज्यादा जरूरी है कि कातिल कौन है। हवेली के तमाम पहरेदारों और सिपाहियों को इकट्ठा करो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं अभी आता हूं। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं, सिपाहियों और पहरेदारों को इकट्ठा करो। जी सरकार। ऐसी क्या बात हो गई जो आप सिपाहियों और पहरेदारों को इकट्ठा करके करना चाहते हैं? भाई उसमें भी तुम्हारी इजाजत की जरूरत है क्या? ये सिपाही और पहरेदार कोई औरतें तो है नहीं कि उनसे बात करने के लिए तुमसे इजाजत ली जाए। तौबा, आप अबकी जब से जौनपुर से आए हैं मेरी हर बात को जौनपुरी भसाकू की तरह बस मल के फेंक रहे हैं। देखो बेगम, खुदा के लिए तुम भी नाराज मत हो ना। वैसे भी हमारे दुश्मन चारों तरफ बहुत बढ़ गए हैं, अब अगर तुम भी दुश्मन बन गई तो मेरा क्या होगा? होगा क्या? खुदा की कसम बस मर जाएंगे। क्यों? जीने के लिए और क्या। तुम्हारी दुश्मनी में भी तो एक मजा है, एक मिठास है। अब तो आप ये अच्छी अच्छी बातें भी बस ऊपरी दिल से कहते हैं, मैं जानती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इल्जाम तराशी। लेकिन देखो, अगर अपने बेटे सुलेमान की जागीरदारी के सिलसिले में बात करनी है तो कुछ मत कहना। उस बारे में जो कुछ कहना था हम तुमसे कह चुके। या अल्लाह, आप तो मर्दूए सांप की तरह कैसी कैसी कैचुल बदलते हो। कल तक हम भौरे थे जो फूल बदलते थे, और आज सांप बन गए। और क्या? नहीं बेगम, नहीं, हम चारों तरफ से सांपों और दुश्मनों से घिरे हुए हैं। बस एक ही अच्छी बात ये है कि मेरा फरीद आ रहा है। फरीद आ रहा है? कब? आज, शायद कुछ ही देर बाद। ये खत आया है उसका, उसने यहाँ आने के लिए कुछ शर्तें लिखी। अरे, आपने तो ये लिफाफा अभी खोला भी नहीं, उसकी क्या शर्त है ये आप कैसे जान गए? खत तो पढ़े, ना जाने क्या शर्त हो। जाने मन, ये एक बेटे का खत है अपने बाप के पास। हमारी जान तो मांगने से रहा। ऐसा ना कहें, निखट्टू बेटे जान मांगते कहाँ है, वो तो खुद ही ले लेते हैं। निखट्टू ना, अरे कैसी लालच, कहाँ की लालच। हमने तो खुद बुलाया है उसको अपना नायब बनाने के लिए। नायब यानी हाकिम? नहीं नहीं, हाकिम तो हम खुद रहेंगे। हाँ, वो अगर हमें मारकर हाकिम बन जाए तो दूसरी बात है। और उसे कोई मार दे तो? अब आप क्या सोच में पड़ गए? ये तो बस बात से बात निकल आई बे इरादा। जाने मन, हमने कब कहा कि तुम्हारा भी कत्ल करने का इरादा हो सकता है? अब आप जबान ना पकड़े, ये तोला भर की जबान बे इरादा फिसल भी तो सकती है। हाँ, ये तो जबान है, कोई दिल तो है नहीं जो इरादे के साथ फिसलता हो। चले चले, खत तो पढ़ लें। अरे हाँ, लो तुम खुद ही पढ़ लो। क्यों मजाक करते हैं? अगर पढ़ी लिखी होती तो आपकी तरह जागीरदार होती। ओए, हम तो भूल ही गए थे कि तुम अलीफ के नाम पर लाठी हो। हाँ,
से पढ़िए। लो, जैसे इस खत से हमारा कोई मतलब ही नहीं। ओए सुनो, तुम भी सुनो। इंसाफ ही मुल्क की अहम बुनियाद है और तरक्की की जड़ है। ना इंसाफी हुकूमत को कमजोर और कौम को बर्बाद कर देती है। मुझे मालूम हुआ है कि आपके कुछ दुलारे और प्यारे लोग और कुछ मुकद्दम आम आदमी पर जुल्म कर रहे हैं। पहले तो उन जालिमों को मैं समझाऊंगा, अगर नहीं समझ सके तो उन पर सख्ती भी करूंगा ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सके। मेरी सख्ती आपको बुरी भी लग सकती है और शायद आप मेरे काम में दखल भी देंगे। अगर आप दखल देंगे तो मैं सहसराम और खासपुर की जागीरों का इंतजाम नहीं देख सकूंगा, इसलिए आप दखल नहीं दें। अगर आपको ये शर्त मंजूर हो तो आऊं, नहीं तो रास्ते से लौट जाऊं। जवाब का तालिफ, फरीद खान। हुजूर, सारे सिपाही और पहरेदार बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूं, मुझे फरीद के खैर मकदम की तैयारी भी करनी है। क्या नाच गाना कराएंगे? नहीं, सिर्फ नाचेंगे, उनके दिल नाचेंगे जो उसे प्यार करते हैं। कासिद कहाँ है? वो तो कब का गया हुजूर? मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया है कि आज से मैं आपका मालिक नहीं हूं। आपका नया मालिक आ रहा है, वो बस आता ही होगा, मेरा बेटा फरीद। उसकी तालीम पूरी हो चुकी है, आज से इस जागीर की देखभाल वो करेगा। जो मुनासिब समझेगा करेगा, मैं उसके किसी भी मामले में दखल नहीं दूंगा। जो बदमाश हैं, कामचोर हैं, बेईमान हैं, उनको पनाह नहीं मिलेगी। वो आ रहा है आप सबकी खुशियां लेकर। हो सकता है वो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल दे। आ गया फरीद का बच्चा, हमारी खुशियों का दुश्मन। अल्लाह बुरी नजर से बचाए तुम्हें। सच है, हमारे पूरे सूर खानदान में तुम्हारा जैसा कोई नहीं। पीछे अलमारी में मेरी बीवी और मेरा बच्चा है, उन्हें खरीद से जनान खाने में मेरी मां के कमरे तक पहुंचा दिया जाए। बहुत बेहतर। अब वो मेरी मां तो खरीद से, क्या हो गया है तुम लोगों को, मेरे कमरे से जाने का नाम ही नहीं लेते। अरे फरीद आया है। क्या करें बड़ी बी, कैसे जाएं? आप जो अकेली रह जाएं। अकेली तो सारी दुनिया है। होगी बड़ी बी, कब तक साथ निभाओगी मेरा? जब तक मैं जिंदा हूँ। और मैं जो तुमसे पहले मर गई? मैं तो तुमसे पहले ही मरूंगी, इतना तो तय है। ये तो हो ही नहीं सकता बड़ी भी। मैंने तो अल्लाह से दुआ मांग ली है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। क्यों गुनाहगार करती हो गफूरन? सच बड़ी भी, और मैं जब भी दुआ मांगती हूँ ना,
अल्लाह मेरी हर दुआ पूरी करता है। जैसे अब देखो ना बड़ी बी, मैंने दुआ मांगी कि मेरी नौकरी आपके पास लग जाए और वो दुआ पूरी हो गई। और हमने मांगा कि हमारे फरीद मियां हंसी खुशी घर लौट आए। वो लौटे और आपकी जिंदगी में लौट आए। अब तो हम शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे। जिसके लिए इतनी दुआएं करी, जब वो आया तो कमरे में घुस के बैठ गई। बड़ी बीबी, आपसे ज्यादा तो हमें बस अल्लाह है, उसी के पास जाएंगे बस हम आपको छोड़कर। और तुझे क्या हुआ है, भाई से नहीं मिलना? कब तक रगड़ेगा मेरे हाथों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अम्मी, अब जाकर तो कुछ गर्म हुए हैं, लाइए लाइए यहाँ दीजिए। अरे ये हाथ पाँव तो खुशी के मारे ठंडे हैं। और मेरे हाथ पाँव तो डर से ठंडे होते हैं। तो डरपोक कब से हो गया रे? फूरन उठा मुझे। आगा भाईजान। से बड़ी कीमती चीज ले आया फरीद, बड़ी कीमती। और अम्मी, जीती रहो, यहाँ बैठो मेरे पास। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? नाजबीन। बड़ा खूबसूरत नाम है। बच्चे का नाम क्या रखा है? इसका नाम तो आप ही रखेंगे अम्मी जान, मैं भी यही चाहती हूँ और इसके अबू भी यही चाहते हैं। अरे नहीं, ये तो मौलवियों का काम है, मौलवी साहब से कहकर कोई अच्छा सा नाम निकलवा लेंगे। हमारे लिए तो तुम ही मौलवी अम्मा, नाम तो आप ही रखेंगे, वरना इसका नाम नहीं रखा जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। और निजाम, एक बच्चे का बाप हो गया है लेकिन जिद अभी वही बच्चों जैसी है। हुजूर, अभी तो आप आराम फरमाइएगा। आराम पर काम किस वक्त कर? भाई मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान को सारी जिंदगी बस काम करते रहना चाहिए, उसी में आराम है। जी जी हाँ, और जिंदगी में है भी यही कि काम ही करते रहना चाहिए, और फिर काम करना भी तो इबादत है। काफी समझदार हैं आप। ये मेरे वालिद साहब को आप कहाँ मिल गए? जी वो भी तो समझदार हैं। सिर्फ सुनने की आदत डालिए, ज्यादा बोलना सेहत के लिए नुकसानदेह। जी हाँ, ज्यादा बोलने से फेफड़े खाली हो जाते हैं। जो ज्यादा बोलता है मुझे पसंद नहीं, हाँ जो ज्यादा काम करता है मुझे बहुत पसंद है। और अगर आपको मेरे साथ काम करना पसंद हो तो आपको बोलना कम और काम ज्यादा करना होगा। जी जी वो मैं बस ये सोन नदी तक जाकर वापस आता हूं। मैंने बचपन से उस नदी के किनारे उसकी रेत में सितारे ढूंढे हैं। वो नदी इस इलाके की मां है। आओ निजाम। आप
आप लोग यहाँ क्या खड़े हैं? अरे देखते नहीं आप लोग की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ता है। चलिए जाइए। जी हुजूर, जी हुजूर। फरीद की दुल्हन, ये गफूरन है, ये मेरी नौकरानी नहीं, ये मेरी मोहसिना है, मेरी अजीजा है। सारी दुनिया छोड़ कर गई लेकिन इसने नहीं छोड़ा, इसे कभी नौकरानी ना समझना। जी अम्मी, अल्लाह हर बला हर मुसीबत से बचाए, दूधो नहाओ पूतो फलो। बेटी जरा उठना, तू वो उधर एक संदूक रखा है उसे खोलना जरा, उसी तरफ, हाँ यही वाला संदूक, इसे खोलना जरा। अब देखना इसमें एक बड़ी सी तिलेदानी रखी होगी, हाँ ले आओ, ले आओ बेटा। अरे गफूरन, जरा घूंघट तो उठाओ दुल्हन का। माशाल्लाह चश्मे बदूर, बेटे ये देखो, ये मेरे कर्णफूल हैं, ये मेरी सास ने मुझे दिए थे, मुझे खाई, मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये भी मेरी सास ने दिए थे और कहा था कि इन अशर्फियों को किसी अच्छे काम में खर्च करना, जैसे तालीम या और कुछ। जी अम्मी जान। बड़ी भी अब आप लेट जाइए, आप थक गई हैं। अरे थक तो मैं गई थी इंतजार करते करते, अब तो बस आराम ही आराम है। मगर बड़ी भी अब आप लेट जाइए। लेटूंगी लेकिन पहले मुझे अपने चश्मे नूर का नाम भी तो रखना है। इसका नाम रखना आदिल खान, यही नाम मेरे वालिद का था। आदिल खान, खूब अच्छे अच्छे काम करना, खूब इंसाफ करना। ले बेटी अब तो संभाल इसे, मैं आराम करूंगी। मैं लेटूंगी। हाँ बड़ी बड़ी बात ले जाए। गफूरन मेरी तस्वीर है। ओए इस्माइल खान, तुमने महसूस किया जागीर का निजाम पहले से काफी बेहतर है। जी हाँ हजूर, अमन अमान पहले से बहुत बेहतर है। ओए बेटे फरीद, तुम अचानक किधर चले गए थे? अब हजूर लोगों से मिलने गया था। क्यों? मैं यहाँ इसी शर्त पर आया हूँ कि आप मेरे किसी भी काम में दखल नहीं देंगे। मेरे घोड़े का पसीना भी अभी सूखा नहीं, और आपने क्यों और कैसे शुरू कर दिया? ओए नहीं बेटे, दखलंदाजी नहीं, मैं तो बस जानना चाह रहा था, यूं ही ये देखने गया था क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है, कहीं वो भी मेरी मां की तरह इंसाफ को तरस तो नहीं रहे, मर तो नहीं रहे। कलाम पाक की हवा मेरे चेहरे पे डालो। जी जी अम्मी। सूर्य यासीन भी पढ़ा। जी
बीबी, बड़ी बीबी, बहू बेगम, मीजान, बहू बेगम, बड़ी बीबी हमें छोड़ दो, मीजान, अब मीजान, मीजान है मशगला मेरा, हवा के रुख को समझना है मशगला मेरा, किसी के पास कहाँ ऐसा हौसला मेरा, किसी के पास कहाँ ऐसा हौसला मेरा, ये देखना है